मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, आया है इससे माशाल्लाह से, तो आप भी अप्लाई करें, कोशिश करें, कम बजट में भी हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करें, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करें। इसी की दुआ के साथ शुरू करते हैं, रेमेडी कह लें या जो भी कह लें, स्किन केयर के हवाले से ही आपको मैं लेके आई हूँ। आपका अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है मेरी इन वीडियोज़ पर, तो आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आगे मुझे कौन सी वीडियो देनी चाहिए, किसके बारे में देनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आज मैं सस्ता साज कह लें कि स्किन पॉलिश और स्किन केयर करने जा रही हूँ। कोशिश ये कर रही हूँ कि कम पैसों में, कम चीज़ों में अच्छा रिजल्ट मिले। कुछ लोग हर्बल से सेटिस्फाइड नहीं होते और वो चाहते हैं कि हमें नॉर्मल जो मिल रही होती हैं क्रीम्स और क्लिनजिंग के लिए, फेशियल्स के लिए वो क्रीम्स चाहिए और उन्हीं से ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, फास्ट रिज़ल्ट होता है ये तो यकीनी बात है। और हर्बल जो होता है उससे स्लो स्लो आता है, मगर उससे उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो ये दो चीज़ें हैं, ऑपोजिट हैं इनकी आपस में। तो बहरहाल मैं आज उसके साथ भी लेके आई हूँ, जो मैं दो तीन चीज़ों के साथ आपको करके दिखाऊंगी। और एक ब्लीच है, रिज़ल्ट कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं उसको आपके सामने ही अप्लाई करूंगी अपने फेस पे, और फिर उसके रिज़ल्ट जो आएंगे उसको। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट को और अपने हेयर्स को कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने शुरू करना है अगला स्टेप। और सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। क्लिनजिंग हम किसी लोशन, किसी क्रीम से भी कर सकते हैं, फेस वॉश से भी कर सकते हैं। मकसद है हमें क्लिंस करके अपनी फेस से डर्ट और मिट्टी हटाना, वो हम करने लगे हैं। सबसे पहले हम कोई सा भी फेस वॉश लेंगे और इसकी इतनी सी क्वांटिटी हम लेंगे, इसको अभी हम यूज़ करेंगे। अच्छे से मसाज करना है आपने फेस का, कोशिश करनी है कि हाथ हल्का रखना है और बहुत ज़्यादा रगड़ा रगड़ी नहीं करनी। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए मसाज के, और कैसे और किस रुख को आपने करना है ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। अगली आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। मेरा जो बेसिक मकसद है ना, मैं ये चाहती हूँ कि कम बजट में आपका अच्छे से अच्छा काम हो, अच्छा रिज़ल्ट हो, स्किन भी ख़राब ना हो, केयर भी अच्छी हो जाए और पैसे भी कम लगें। साफ़ करने के लिए आपको अच्छा सा कोई टॉवल चाहिए या कोई कपड़ा ले लें साफ सा, सॉफ्ट सा, जिससे आप क्लीन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे स्पंज लें आप, या स्पंज से ही अच्छा साफ़ होता है, टॉवल से भी हो। अच्छा जी, ये हो गई मेन चीज़ जिससे काम होने वाला है आपका, इंस्टेंट रिज़ल्ट आने वाला है नेक्स्ट लेवल का। तो फेयर एंड लवली और स्क्रब ले लें, ये ज़रा दानेदार सा होता है, मैनीक्योर पेडिक्योर में ज़्यादा अच्छा लगता है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए थोड़ा सा नहीं है सही, बाकी और भी स्क्रब हैं उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, सस्ते सस्ते हैं। तो इंशाल्लाह बहरहाल अभी इसी के साथ मिक्स करके हम इसका कर लेंगे मसाज। नेक्स्ट हमारा स्टेप लास्ट वाला जो है वो हमारा है ब्लीच का, पार्ले ब्लीच क्रीम है हमारी ना, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसका पूरा नाम है पार्ले 24K गोल्ड क्रीम ब्लीच है, और ये फेयरनेस और ग्लो के लिए और एक्स्ट्रा ग्लो के लिए, झुरियाँ छाइयाँ और दाग धब्बों के लिए, इनको सबको साफ करती है आसानी से, हल्के या सुनहरी रंग के बाल कर देती है। तो ये अच्छी ब्लीच है और इसको इस्तेमाल करें, और सबसे अच्छी बात ये आपके बजट में आने वाली, वो इसमें फुल पैकेट गया है, ये हम हाफ पैकेट डालेंगे। फुल गया है इसमें, ये हम हाफ डालेंगे, हाफ से भी हाफ, इतनी क्वांटिटी में डालेंगे। बाकी ये हम रख देंगे, ये पेडिक्योर के भी काम आ सकता है। ये हम सबसे पहले उस जगह पे जहाँ पे हमारे
जो बाल हैं वो ज़्यादा हैं या डार्क एरिया है। अच्छा, तो मैंने इसको ना सिर्फ इस एरिया पे अप्लाई किया है, अपने सेंसिटिव एरियाज पे मैंने अप्लाई नहीं किया, और एंड पे बिल्कुल मैं एंड पे इसको करूँगी अप्लाई। और जो है ना, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कर लिया अप्लाई। अब यहाँ के रिज़ल्ट देखेंगे इसके, जलन कुछ नहीं हो रही। जी हाँ, तो मैंने कर लिया है वॉश। वॉश करने के बाद कुछ रिज़ल्ट हैं इस तरह के, नेक्स्ट लेवल के माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। जी तो रिज़ल्ट आपके सामने है माशाल्लाह से। थोड़ी सी केयर करने से आप अपने आप को अच्छा खासा चेंज दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद ही आपको इतना अच्छा ग्लो और इतनी अच्छी शाइन मिल सकती है। नहीं, आपको ये छोटी सी कम कीमत वाली और कम क्वांटिटी वाली चीज़ें, ज़्यादा क्रीम्स भी नहीं हैं, तो इनसे भी आप अच्छा खासा रिज़ल्ट ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और भी इस तरह की ऐसी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ जो आपके रेंज में हों। हमारे यहाँ ऐसा तबका भी है जो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रेंज से बाहर हो गया है सब कुछ, महंगाई ही इतनी हो गई है। और इस तरह से खुद को छोड़ देना भी ठीक नहीं है, और साथ लेके चलना ज़्यादा बेहतर है। तो हल्का सी अगर टैनिंग हो रही हो आपको, तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल या एलोवेरा का पत्ता पूरा लेके आप एक पीस अपने फ्रीज़र में रख लें, और हल्के से आप उसको टैप टैप करें, और बल्कि डेली उससे मसाज कर लें। उससे वो यूज़ करने से आपके ओपन पोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे, और डेली की आपकी स्किन केयर भी हो जाएगी। और अगर आप नहीं पहुंचती और नहीं कर पाती या किसी रीज़न की वजह से, तो ये तो एक घरेलू टोटका है, किसी भी नर्सरी से जाके ले आएँ और ला कर एक गमले में लगा लें। गमला नहीं है तो टूटी हुई बाल्टी होगी, डस्टबिन होगा टूटा हुआ, उसमें लगा लें, और लगाने के बाद जो है उसको इस्तेमाल करें, उसकी हल्की सी केयर कर लिया करें। यह आपका घर का एक प्लांट भी बन जाएगा और आपके यूज़ में भी आता रहेगा। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, उनमें भी यूज़ होता है। बालों के हिसाब से ले लें, स्किन केयर के हिसाब से ले लें, हैंड एंड फीट केयर के हिसाब से ले लें, तो भी तो कोशिश करें अपना ख्याल खुद रखा करें, और कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो को भी शेयर किया करें, और मेरी वीडियो के ऊपर कॉमेंट भी ज़रूर किया करें। और आपको रिज़ल्ट कैसा जी हाँ, तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो और ये एफर्ट? मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और ये मुझे याद दिला रहा है आज से 4-5 साल पहले या इससे भी ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, जब मैं गांव में थी, अचानक वहाँ पे कोई एक शादी आ गई थी, और बहुत बुरा हाल था और बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी स्किन की खास तौर पर। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मुझे यही चीज़ समझ में आई, मैंने फेयर एंड लवली में स्क्रब मिक्स किया। फेयर एंड लवली मेरे पास थी स्क्रब, वहाँ से शुक्र है लगा के मिल गया था वहाँ से मुझे, और फिर मैंने उन दोनों को मिक्स करके उससे मैंने अच्छे से स्क्रबिंग की अपने फेस की। पहले मैंने फेस वॉश से अपना फेस जो है वो क्लींस कर लिया, क्लींस करने के बाद फिर मैंने हल्के से उसको ब्लीच कर लिया। ब्लीच भी कोई मैंने लोकल सी ली थी, मेरे पास कोई ऐसी खास ब्लीच नहीं थी, ओलिविया की आई थिंक, तो वो मैंने की थी, और उसके बाद मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिल गया था। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ, माशाल्लाह से आज भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये वाली जो ब्लीच है माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से पाउडर जो है इधर डाल सकते हैं आप, और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्किन को भी ब्लीच करता है और बालों को भी ब्लीच करता है, और वन टोन लाइट कर देता है स्किन को, तो अच्छा खासा रिज़ल्ट आया है इससे माशाल्लाह से। तो आप भी अप्लाई करें, और कम से कम बजट में भी हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। इसी के साथ आप लोग मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक, और दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।